इफ समथिंग डिफरेंट हैपेंस इन योर रूम व्हाट वुड हैपन. उसने कहा अगर मेरे कमरे में स्प्लिट एसी हो तो मैं पढ़ूंगा. मैंने उसके फादर से कहा, मैंने कहा आप इसको स्प्लिट एसी लगा देंगे, अफोर्ड कर सकते थे उसके फादर. उन्होंने कहा मैं लगा देता हूं. अब जब उस बच्चे ने यह कह दिया कि अगर मेरे कमरे में एसी होगा तो मैं पढ़ूंगा, इसका मतलब अब ना पढ़ने का एक्सक्यूज खत्म हो गया. बिल्कुल. ऑल्दो वो रेलेवेंट चीज नहीं थी, मगर आपने उसके जहन में देखना है कि कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो वो समझता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके बाद मुझे पता चला एक आध साल के बाद कि he was doing good in his studies. Right. So that's how you are supposed to handle your issues अपनी लाइफ के अंदर भी. I think यही हमारा यहाँ पर आ चुका है. मैं एम भी है कि किस तरह से अपने इश्यूज को, जो वापस obviously uncertainties मौजूद हैं, we cannot help them, law and order का सिचुएशन हमारे यहाँ मौजूद है, we cannot help them. तो हाउ किस तरह से हम इन चीजों के होते हुए अपने आपके अंदर की कामिटी को जब मैनेज कर सकते हैं, दैट्स डिपेंड्स ऑन अस. व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू, व्हाट इज द बेस्ट वे आई कैन परफॉर्म. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई पे फोकस करें, व्हाट आई कैन डू, नॉट व्हाट अदर्स कैन डू फॉर मी. आई पे फोकस करें जब इंडिविजुअल की बात होती है. Right. ना कि मैं क्या कर सकता हूँ. या कलेक्टिवली जब बात होती है तो व्हाट कैन वी डू एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, हम नेबर्स क्या कर सकते हैं, एज अ फैमिली व्हाट कैन वी डू, हम कर सकते हैं. अब होता यह है कि जो हमारी एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है वो मीडिया से भी हो रही है. वी आर नॉट रेडी येट, हमारे जहन अभी तैयार नहीं है. जो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देयर इज कमिंग थ्रू मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो आपका. अब आपका जहन जब तैयार नहीं है इतनी इंफॉर्मेशन के लिए जो एकदम आपके साथ आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं. Right. तो आप दुनिया के साथ कोप अप नहीं कर पाते. अब आपके अतराफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर मैं जब गाड़ी में होता हूं और मैं देखता हूं कि ट्रैफिक सिग्नल बंद है और मेरा ड्राइवर जो है उसको होता है कि मैं सब जा रहे हैं तो मैं भी चाहूं, उसको ये इंस्ट्रक्शन है कि वो नहीं करेगा. फ्रस्ट्रेशन उस वक्त होती है जब पीछे खड़ी हुई गाड़ी जो है वो हॉर्न करती है आपको. Exactly. क्या आप क्यों नहीं जा रहे, भाई रेड लाइट है हम नहीं जा सकते. मगर हमने एक चीज देखी है कि अगर हम किसी तरह स्टैंड ले लें और हम में हर आदमी सोच लें कि हमने एक स्टैंड लेना है तो थिंग्स विल स्टार्ट टू इम्प्रूव. बिल्कुल. और हम देखते हैं अपने अतराफ में देयर आर टाइम्स जब हम लोग देख रहे होते हैं कि व्हेन वी आर एक्चुअली रशिंग फॉर सम टू रीच सम प्लेस, हम लोग देखते हैं हम खुद एक टाइम सिग्नल तोड़ भी देते हैं. बट अगर हमारे साथ वाली गाड़ी रुक जाए सिग्नल पर तो यू आप इमोशनली किस तरह से कहते हैं कि बाउंड होगी, कभी अपनी गाड़ी रोक भी लेते हैं. दैट्स हाउ यू कैन सेट एग्जाम्पल कि अगर आप अपनी गाड़ी रोकेंगे तो मे बी यू आर एबल टू स्टॉप 2 to 3 कार्स मोर जो आपके आसपास से गुजर जाती है अगर आप रुकते नहीं तो. इवेंचुअली अगर आप करेंगे, इसी वो कहते हैं ना, इट टेक्स वन पर्सन टू चेंज द वर्ल्ड. एक आदमी चेंज कर सकता अगर वो स्टैंड ले लेता. Right. अगर वो स्टैंड लेता है, वो स्टैंड ही बड़ा मुश्किल होता है लेना. अब यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट आ जाता है विल. विल पावर पे आपने कहा था हम थोड़ी सी बात करें. विल पावर कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, विल एंड पावर. उर्दू में कुव्वत इरादी करते हैं. इरादी कम्स फ्रॉम द वर्ड इरादा. इसका मतलब इरादा और कुव्वत ना हो तो बेकार है. तो इरादे में कुव्वत होना बड़ा जरूरी है. तो विल पावर में पावर बड़ा जरूरी है. कई दफा हम में से बहुत सारे लोगों की विल होती है, पॉजिटिव होते हैं, इंटेंशंस हमारे बड़े क्लियर होते हैं कि हम कुछ चीजें समथिंग गुड. आपके नेबरहुड में आपके घर के बाद कचरा है, आप सफाई करा सकते हैं. डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं चाहूंगी छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आके विल पावर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. यहां पे नाज़रीन स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक से पहले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट की थी. मैं चाहूंगी डॉक्टर मुस्कान की तरफ हम फॉरवर्ड चले और विल पावर के बारे में हमें एनलाइटन करते थे कि हाउ व्हाट इज एक्चुअली विल पावर. पहले तो हम वो चीज जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि हम उसके ऊपर किस तरह से काबू कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक इट आर वेपन टू अगेंस्ट द वर्ल्ड. जी मैं ये कह रहा था पावर बड़ा जरूरी है. तो हमारे पास विल होती है कई दफा, विल टू डू समथिंग गुड, पावर नहीं होता. अब ये पावर क्यों नहीं होता हमारे पास, अगर आप देखें कि अगर कोई आपकी ऐसी चीज होगी जो आपकी जाती होगी या जिसमें आपका मफाद पोशीदा है तो आप में पावर होगा. Right. तो इसका मतलब ये कि इंसान अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए तो पावर ला सकता है कोई काम करने के लिए, मगर कोई ऐसा काम कि जिसमें उसका अपना जाती गर्ज या मकसद या मतलब ना हो उसके लिए उसके पास पावर नहीं होता. अनटिलनेस ऑफ कोर्स इट्स अ मेडिकल कंडीशन, तब दोनों सूरतों में नहीं होता. एनीवे तो हमें करना ही होगा कि इस पावर को डेवलप करने के लिए एक तो आपको बार बार विजुलाइज करना पड़ता है. लेट्स से आप कोई बेहतर काम करना चाहते हैं, आप
अपनी जिंदगी में सक्सीड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी मैं घर से बाहर निकलूं, हालात जो भी खराब हो, इंथुजियाज्म मेरे अंदर रहे, अगेन इंथुजियाज्म, जॉय, एम्पैथी, ये तमाम क्वालिटीज इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों में बहुत ज्यादा होती है। तो अब आपने क्या करना है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं कि जी उफ माय गॉड, रश है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, आवाज है, ये तमाम चीजें, आपने अपना इंथुजियाज्म को बरकरार रखना है। अब उसको बरकरार रखने के लिए आपको बार बार अपने आप को कंट्रोल में लाकर अपने मेंटल स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। कई दफा छोटी चीजें आपको बड़ी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस में जाके ये काम मुझे करना है, उस काम के साथ अगर आप सोचे और उस काम से अगर आपको प्यार या मोहब्बत हो तो वो इंथुजियाज्म वापस आ जाता है। अच्छा, वो काम करूंगा तो मुझे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या होगा। इंसान को अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है, छोटे गोल्स के लिए भी और बड़े गोल्स के लिए। उसके लिए थोड़ी सी ब्रेन के अंदर सोच का एक मुसलसल आपको धारा या मुसलसल आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है उसको आपको लाना पड़ता है बार बार। Why should I do it? मेरे लिए क्या बेनिफिट है? अगर ये बार बार सोचते रहे, विजुलाइज करें उस चीज को, तो डेफिनेटली वो इंथ्यूजियाज्म वापस आएगा। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप बैड कन्वर्सेशन, जहाँ पे आपको लगता है कि जो एक मीनिंगलेस कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें उसका पार्ट ना, मैं इट्स बेटर टू डू समथिंग बेटर ऑन द अदर हैंड, थिंक अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, फील गुड। यू मे बी इन अ मीटिंग, अ बोरिंग मीटिंग, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कम होता है मेरे ख्याल में, ब्रेन सकिंग ज्यादा होता है, सक कर देता है एनर्जी आपकी। उस ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन में इफ एवरीथिंग गोइंग ऑन और आपको लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन यू फील लो एंड यू फील इट कांट बी डन एंड ये वो, देन थिंक अबाउट समथिंग दैट यू लव टू डू, इंस्टेंटली आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा, इमोशनल स्टेट। जैसे इमोशनल स्टेट चेंज होगा, यू विल कम इन द डिस्कशन विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, योर बॉसेस विल नोटिस यू ऑल ऑफ अ सडन। ये मेंटल स्टेट हमारे इख्तियार में होता है और हम अपने इमोशंस के जरिए मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एक और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। सलाम, मैं, मेरा नाम ख्वाजा शाहिद है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। मैं आपका टॉपिक, मेरी अभी माशाल्लाह मेरी लाइट भी गई हुई, वैसे मैं कर रहा था, मैं बात ये करना चाहूँ, माइंड आपका सही हो नहीं सकता जब आपके मुल्क में बिजली ना हो। बिजली की वजह से लोगों के दिमाग जरा अपसेट हो जाते, गरीब आदमी भी नहीं सो सकता, ना मालदा सो सकता। मालदा तो सो जाता वो अपने जनरेटर लगा के, मगर हमारी गवर्नमेंट ने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना सुप्रीम कोर्ट से फाइटिंग की है बस, इन्होंने और कुछ भी नहीं किया। अगर अब इन्होंने नया इशू शुरू कर दिया सूबे के लिए क्या जरूरत है? आप रेलवे का किराया हर महीने बढ़ाते जा रहे हो, आप ना बिजली का पैदावार कर रहे हो, ना इलेक्ट्रिक का, ना पानी का, ना गैस का। आप जो है ना, इनका यहाँ पे अभी एक स्टेट आया है माइंड का कि आप देखें कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इनके अभी करंटली मौजूद है, तो हाउ कैन दे काउंटर दिस। हमारे दोस्त को ये बता दूं कि जो कुछ हो रहा है ये भी एक माइंड गेम है, आपको खेला जा रहा है, आपके साथ आपके जज्बात से खेला जा रहा है। आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, उसके बाद उन ख्वाबों को तोड़ा जाता है, फिर नए ख्वाब दिखाए जाते हैं। तो गलती हमारी है, उनकी है। देखिए, दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले बहुत हैं, आपको बेवकूफ बनना है कि नहीं, ये आपको समझना चाहिए। बिजली ही पैदा होती है माइंड से, किसी माइंड वाले ने बिजली दरियाफ्त की ना, उसने पैदा की। इसी तरह जो भी इश्यूज हैं दुनिया, मलेशिया में सॉल्व हुए, सिंगापुर, वो कौम जो नशा लेके सोया करती थी, चाइना के अंदर लोग आज कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि माइंड ने काम किया। अब ये जो चीजें लोग कर रहे हैं आपके साथ, ये आपको अपना महकूम बना रहे हैं, आपको गुलाम बना रहे, तो आप बनते क्यों हैं? आपको उठना तो होगा ना कहीं करना होगा। आप अपने घर में क्या कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे पास हैसियत है तो मैं ये करूंगा जी यूपीएस ले लूंगा या मैं जनरेटर ले लूंगा, ठीक है। अगर मैं नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतने पैसे बचा लूंगा मैं जनरेटर ले सकूं, ताकि मेरे घर में जब मैं रात को जाऊं तो मुझे नींद अच्छी मिल सके अगर बिजली ना हो तो। तो मुझे पहले तो अपने घर को ठीक करना होगा किसी तरह, और उसके बाद कोशिश करनी होगी कि मैं अपने घर से क्या चीज ऐसी करूंगा जिससे मेरे मुल्क में हालात। बिल्कुल, क्या हम ये नहीं मान सकते इस तरह से, जिस तरह से भी हमारे कॉलर ने भी यहाँ पर बोला कि यहाँ पे इस मुल्क में कुछ हो ही नहीं सकता और माइंड कभी ठीक हो ही नहीं सकता, इसको अगर इसी चीज को लोग दूसरी तरफ से तरह से सोचे तो कितना कुछ हो सकता है, बिकॉज इतना कुछ खराब है कि अगर हम ठीक करने निकले तो आई थिंक हमारी अगली दो रस्ते लग जाएंगी, लेकिन ठीक होते करते करते। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, अगर कोई कैश करना चाहे तो क्या। मैं मिसाल दूं, मेरे पास एक ऑफिस में लड़का काम करता, ऑफिस बॉय, वन ऑफ द प्यून्स। उसने एक दिन मेरी बेटी से कहा कि हालांकि हमारी सैलरी स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, कहता है फिर भी गुजारा नहीं होता। मेरी बेटी ने पूछा तुम घर में कौन है? उसने कहा मेरा भाई है। अच्छा, कॉलेज जाता है, कितने बजे आता है? इतने बजे। ये काम करो, तुम्हारे घर के बाहर कोई दुकान वाले से कहो कि वो अपने बाहर की जगह दे दे तुम्हें। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तुम बिरयानी की देग रखो शाम को, तुम्हारे भाई को बोलो जो घर पे होता है
शाम को कॉलेज आने के बाद बिरयानी की देख, इतने में देख बनती है, इतनी प्लेटें निकलती, इतने में प्लेट बेचो, टू मेक इट शॉर्ट, टू कट इट शॉर्ट, आप यकीन करें डेली उसका भाई 800 रुपीज टू 1000 रुपीज अपने घर लेके जाता है, विच इज अबाउट 24,000 to 30,000 rupees अ मंथ एक्स्ट्रा इनकम. 4 से 5 घंटे बैठता है, शाम रात तक बिरयानी खत्म हो जाती है. इसका मतलब यह है कि आप कभी भी बिरयानी का ना सोचते अगर हालात ठीक होते. क्योंकि हालात खराब है तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप क्यों होती है? जब आप देखते हैं माशरे में कि आपके पास डिग्री, आपके पास जॉब नहीं है, तो अब क्या करना है? रोते रहना है? नहीं, थिंक अबाउट समथिंग यू कैन डू. वेरी वेल केटर्ड. आई थिंक हमारे जो कॉलर थे उनकी प्रॉब्लम को हमने बहुत अच्छी तरह से मुझे साहब ने जो है वो केटर किया है. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का. प्रोग्राम पर इस्तेमाल की तरफ जो है मूव करना चाहूंगी, आपके लास्ट वर्ड्स लूं फिर हम लोग पॉइंट. देखिए लास्ट वर्ड ये है कि दुनिया अगर चेंज करनी है तो पहले अपने आप को चेंज करना होगा. बिल्कुल. ये सूफियों ने भी कहा है, वलियों ने भी कहा है, दुनिया का हर मजहब कहता है, हर स्कूल ऑफ थॉट ये बात करता है कि आउटसाइड वर्ल्ड जो बाहर की दुनिया है, बुराई है, अच्छाई है, मोहब्बत है, प्यार है, नफरत है, ये अक्स है आपके अंदर की दुनिया का. योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड. आपके अंदर जो गंध होगा ना वही बाहर आपको नजर आएगा. बिल्कुल. इसको चेंज करने बाहर चीजें चेंज होंगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वंस अगेन. नाज़रीन के साथ ही प्रोग्राम जो अपना इख्तिताम को पहुंचता है. प्रोग्राम आपको कैसा लगा उसके लिए आप लिख सकते हैं feedback@businessplustv.pk पर. वजीह खान को बिजनेस की पूरी टीम यहाँ पे इजाजत दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.